घटवार घटवाल आदिवासी महासभा के लोगों ने हर्षोल्लास के साथ मनाया विश्व आदिवासी दिवस। गिरिडीह जिला पेंटार प्रखंड के पाथलघटिया में 9 अगस्त बुधवार को घटवार घटवाल आदिवासी महासभा के लोगों ने बड़ी धूमधाम से प्रत्येक वर्ष के भांति इस वर्ष भी विश्व आदिवासी दिवस मनाया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता गिरिडीह जिला अध्यक्ष ठाकुर देव राय ने की, वहीं मंच संचालन जिला सचिव मोहन राय ने किया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम बिरसा मुंडा एवं महान विभूतियों को याद करते हुए मुख्य अतिथि केंद्रीय अध्यक्ष माननीय दुर्गा सिंह घटवार ने बताया कि 9 अगस्त को विश्व आदिवासी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने आदिवासियों की भलाई के लिए एक कार्य दल गठित किया था। आदिवासी समाज अपने हक, इज्जत, अधिकार, जल, जंगल, जमीन एवं अपने संस्कृति को बचाने के लिए मनाते हैं। विशिष्ट अतिथि केंद्रीय महामंत्री लाल गोविंद सिंह घटवार ने बताया कि केंद्र एवं राज्य घटवार के साथ अन्याय क्या है। प्रदेश अध्यक्ष राम प्रसाद सिंह ने अपने संबोधन में बताया कि महासभा अनुसूचित जनजाति सूची में पुनः दर्ज कराने के लिए संघर्षरत है। झारखंड प्रदेश के कोने कोने से विश्व आदिवासी दिवस के मनाने के लिए घटवार समाज के लोग पेटाल की धरती में उपस्थित हुए। इस सभा में मुख्य रूप से राम प्रवेश राय, गिरजानंद सिंह, राम जय राय, सीतल रॉय, विकास राय, सुरेश राय, सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष उपस्थित थे। नमस्कार, जोहार, जोहार झारखंड। मैं बहादुर राय और आप देख रहे हैं स्टार सिटी 24। आज 9 अगस्त है, यानी विश्व आदिवासी दिवस है। और आप देख सकते हैं तमाम जो आदिवासी लोग हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं, और झारखंड प्रदेश के हर एक जिले से लोग आए हुए हैं। हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या है आदिवासी दिवस, क्यों आदिवासी दिवस मनाया जाता है, और आदिवासी दिवस मनाने से क्या होता है। कहा जाता है आदिवासियों का संरक्षण करने के लिए आदिवासी लोग का धीरे धीरे दिन प्रतिदिन इन लोग का जनसंख्या घटती जा रही है। इसको संरक्षण करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के टीम ने आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हम जानने का प्रयास करते हैं क्या है आदिवासी दिवस। सर, आदिवासी दिवस क्या है? आदिवासी दिवस जो पूरे विश्व में जो आदिवासी जो लोग हैं, मूल ओरिजिन हैं, उनको उनकी जो विलुप्त हो रहे हैं कुछ कैटेगरी, कुछ जाति जो लुप्त हो रहा है उसको संरक्षण करने के लिए और आदिवासियों का जनसंख्या न कमे पूरे विश्व में, इसके लिए और आदिवासी लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, सरकार का मुख्य धारा में लाने के लिए ये पूरा विश्व जो है ना प्रयास कर रहा है कि आदिवासी लोग आगे आवें। इसलिए पूरे विश्व में आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है जल, जंगल, जमीन और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए 9 तारीख को ये जो है ना पूरे विश्व में मनाया जाता है। मैंने सर का कहना साफ है कि जल, जंगल, जमीन की रक्षा के लिए दिन प्रतिदिन आदिवासियों की जनसंख्या घटती नजर आ रही है, इसीलिए सरकार आदिवासियों का संरक्षण करने के लिए जल जंगल जमीन की रक्षा के संरक्षण करने के लिए आदिवासी दिवस मनाए जाते हैं। आदिवासी दिवस पर लेकर सर अब क्या कहिएगा कुछ? देखिए, सबसे पहले मैं विश्व आदिवासी दिवस के शुभ अवसर पर तमाम देशवासियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सर्वप्रथम जो है ये आदिवासी दिवस आज हम लोग झारखंड प्रदेश में मना रहे हैं, और झारखंड प्रदेश में घटवार जाति यहां के मूल आदिवासी हैं। लेकिन यह खेद का विषय है कि आज जो है इस जाति ये व्यवस्था से मरहूम है। आज ये आदिवासी की व्यवस्था से मरहूम है। हम लगातार जो है सरकार को बताना चाह रहे हैं कि हम ही यहाँ के मूल आदिवासी हैं, हम कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। इसकी परिभाषा हमें देने की आवश्यकता नहीं है, ये इतिहास का इसका गवाह है। लेकिन आज हम जल जंगल जमीन की सुरक्षा करने वाले लोगों को आप किनारे करके जो है आज सरकारी तंत्र या कुछ ऐसे लोग जो बाद में आए उनको आप आदिवासी मानते हैं और वह सत्यता दिखाना चाहते हैं और पर्दा डालना चाहते हैं। मैं इसका विरोध करता हूं, खेद प्रकट करता हूं। हमारे समाज में ऐसी जो है
इस तरह के ये से काफ़ी क्षोभ है। आने वाले दिन में हम अपने अधिकार के लिए जो है आंदोलन को तेज करेंगे और निश्चित तौर पर जो है हमारा जो संवैधानिक प्रदत्त अधिकार है उसे प्राप्त करेंगे। सर का कहना साफ है कि हम लोग आदिकाल से हम लोग इस झारखंड प्रदेश में छोटा नागपुर चलिए छोड़ दिए। नमस्कार जोहार, आज विश्व आदिवासी दिवस है और आप देख सकते हैं सब आदिवासी लोग अपने संस्कृति को बचाने के लिए अपनी सभ्यता को दिखाने के लिए आज यहाँ पे एक आप आज देख सकते आदिवासी बच्चियों का कमाल। विश्व आदिवासी दिवस है और आदिवासी का सुअवसर देख सकते बच्चे लोग किस तरह का अपना जवाब दिखा रही है। अब देख सकते तमाम तमाम आदि को बचाने के लिए आपने कर अब ये देख सकते हैं कितना बच्चे लोग रहे हैं। कैसा लग रहा दीदी? इस तरह होना चाहिए ना। देख सकते हैं दीदी का कहना है कि हर एक साल इस तरह का आदिवासी बोल रहा है, अच्छा लग रहा है और हर एक साल इस तरह का आदिवासी दिवस मनाना चाहिए। और भी जानते हैं क्या कुछ कहेंगे? कैसा लग रहा है दीदी? अच्छा लग रहा है। अच्छा अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं दीदी का कहना साफ है कि इस तरह का प्रोग्राम हर एक साल होना साफ है कि पहली बार पथलघटिया में आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है और बहुत अच्छा लगा। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं बच्चों लोगों से क्या कुछ कहेगी। पूरा मजा लगा तो फुल एंजॉय। तो देख सकते बच्चे लोग का साफ कहना है कि फुल एंजॉय किए हम लोग विश्व आदिवासी दिवस को लेकर। क्या कुछ क्या कहेगी छोटी? बहुत मजा आया। क्या इस तरह का प्रोग्राम होना चाहिए? बच्चे लोगों का साफ कहना है कि इस तरह का प्रोग्राम होना चाहिए समय समय में क्योंकि बच्चे लोग काम करते करते थक जाती है, मन छोटा हो जाता है। इनको साफ कहना है कि पढ़ाई करना जरूरी है क्योंकि पढ़ेगा झारखंड तो बढ़ेगा झारखंड। क्या कहें? हाँ, पढ़ाई को लेकर मैं आपको बोलना चाहती हूँ, पढ़ाई एक बहुत ही ऐसा चीज है जो पढ़िएगा वो आगे बढ़ेगा। ये पढ़ाई एक मात्र हम लोग का जरूरी है, जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। मैं यही सबसे बोलना चाहती हूँ कि पढ़े और आगे बढ़े, जब तक नहीं पढ़िएगा तब तक आगे नहीं बढ़िएगा। तो यही कह कि पढ़ो और आगे बढ़ो। इस बच्ची का साफ कहना है कि पढ़ो आगे बढ़ो, जब पढ़ेगा झारखंड तो बढ़ेगा झारखंड। और कैसा लग रहा है छोटी? बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद मोहन राय जी। क्या कुछ कहिएगा दीदी? हम बोल ले रहे हैं कि आदिवासी है हम लोग, रहाई है आज शोभा जो हुआ बहुत अच्छा हुआ होगा यार। एक टीम के फिर बुलाएंगे, इस तरह का प्रोग्राम होना चाहिए सर। फिर बुलाएंगे। कैसा लगा? हाँ अच्छा लगा। क्या कहिएगा इन बच्चों का? अच्छा लगा, बहुत खुशी का बात। ये दीदी का साफ कहना है कि पहली बार पथलघटिया में पीरटा प्रखंड के पथलघटिया में पहली बार ऐसा प्रोग्राम हुआ है। दीदी का कहना है कि हर साल हम लोग करेंगे और बच्चे को फिर हम लोग अगला साल बुलाएंगे। तब तक हमारा